नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं सेवई के जर्दा की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। ये एक कटोरी सेवइयां लेनी है, एक चम्मच घी, चिरौंजी, शुगर, काजू, बादाम और पिस्ता। चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ। पहले हम गैस पे पैन रखेंगे और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में, और हम इसमें डाल देंगे घी। घी एक चम्मच लिया है सेवई को भूनने के लिए। घी मेल्ट हो गया है, इसमें डाल देंगे सेवइयां। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा सेवइयां ले सकते हैं, जितना आपको बनाना हो। इस तरीके से भून लेंगे, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएगी जब तक भूनेंगे इसको। सेवइयां को भूनते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं और ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है, इसको रख देंगे साइड में। अब कढ़ाई में डाल देंगे पानी। तो हमने एक गिलास पानी डाल दिया है, इतना पानी और डालेंगे आधी गिलास। गैस जला देंगे तेज फ्लेम में, पानी को अच्छा गर्म हो जाने देंगे। पानी इस तरह से खौलने लग गया है, पूरा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम गैस को मंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे सेवइयां जो हमने भून करके रखी थी, उसको डाल देंगे इसमें और इसे इस तरीके से चला लेंगे। इसे अच्छे से पका लेंगे, बिल्कुल बहुत खिला खिला हमारा जर्दा बनने वाला है। देखिए बहुत ही टेस्टी बनता है। आप कभी बना इसी सेवइयां का जर्दा बनाना, ये आप देख रहे हैं ना कैसी सेवई है, इसी वाली को बनाना। बहुत पतली वाली का मत बनाना, बहुत पतली वाली को वो गीला हो जाता है, खिला खिला सा नहीं बनता है। इसका बिल्कुल खिला खिला सा बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। ये देखिए कितना खिला खिला सा हमारा जर्दा बना है। ये सेवइयां हमारी पक गई है। अब हम इसमें डाल देंगे शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, कम ज्यादा, मैं इतना डाल रही हूँ। सेवई थी इसका आधा, इसे इस तरीके से चला देंगे अच्छे से। ये देखिए सेवइयां बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुकी है। इसमें डाल देंगे काजू, बादाम और थोड़े से पिस्ते, इनको सबको इस तरीके से मिला देंगे। अब डाल देंगे चिरौंजी दाना और सबको इस तरीके से मिला देंगे अच्छे से। ये देखिए कितना खिला खिला हमारा जर्दा बन करके तैयार हो गया है। चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारा बहुत ही टेस्टी और खिला खिला सा सेवई का जर्दा बन करके तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।